नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की कीमतों के लिए ऐतिहासिक रूप से स्थिर अवधि के बीच मिक्स ट्रेड करते दिखाई दिए। क्रिप्टोकरेंसी का IC15 इंडेक्स 1.7% की गिरावट के साथ 39,560 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। इस बीच US हाउस रिपब्लिकन्स ने एक नया डिजिटल एसेट ओवरसाइट बिल पेश किया जो क्रिप्टो को रेगुलेटरी एम्बिट में लाएगा। इस बिल का उद्देश्य क्रिप्टो सेक्टर में इन्वेस्टर्स की सुरक्षा के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्थापित करना है। दिलचस्प बात यह है कि इस बिल का उद्देश्य क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए US सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन के साथ रजिस्टर करने के लिए एक रेगुलेटरी पाथ तैयार करना है और उन्हें एक ही स्थान पर डिजिटल सिक्योरिटीज, कमोडिटीज और स्टेबल कॉइन्स का व्यापार करने में सक्षम बनाना है। इस बीच पिछले हफ्ते एक फेडरल जज ने टोकन इश्यूअर को सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन के साथ एक माइलस्टोन केस में पार्शियल विन दिलाई। फैसले ने रिपल के नेटिव टोकन XRP और इसी तरह के अन्य ऑल्ट कॉइन्स को उच्च स्तर पर भेज दिया। जहां तक स्पॉट बिटकॉइन ETFs का सवाल है, आशा की किरण यही है कि SEC ने BlackRock और Valkyrie द्वारा फाइल्ड एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर लिए हैं। इकोनॉमिक फ्रंट पर US 15 जुलाई को वीक एंडिंग के लिए इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स 242,000 की मार्केट एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले घटकर 228,000 रह गए। हालांकि एनालिस्ट ने कहा कि लगातार दूसरी साप्ताहिक गिरावट परसिस्टेंट स्ट्रॉन्ग लेबर मार्केट को दर्शाती है। दिलचस्प बात यह है कि सेंटिमेंट के डेटा से पता चलता है कि चेनलिंक हाल ही में क्रिप्टोकरेंसी स्पेस में सबसे ऑप्टिमिस्टिक टोकन में से एक रहा है। हालांकि पिछले 24-48 घंटों में 20% से अधिक की बढ़ोतरी के बाद चेनलिंक की कीमत में रुझान आया है। एक दिलचस्प खबर में सैम ऑल्टमैन फाउंडर वर्ल्ड कॉइन ने ऑप्टिमिज्म इकोसिस्टम में अपना माइग्रेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जहां वर्ल्ड आईडी और वर्ल्ड ऐप टेक्नोलॉजिकल स्टैक जैसे महत्वपूर्ण एलिमेंट्स पहले ही ओपी मेनेट में माइग्रेट कर चुके हैं। ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट कैप पिछले 24 घंटों में 0.5% की गिरावट के साथ $1.2 trillion के स्तर पर है। हालांकि टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम्स लगभग 3% बढ़कर $34 billion हो गई है। आगे बढ़ते हुए हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का डेली काउंट $1 million से अधिक हो गया है और बढ़ रहा है। इस बीच लगभग 21,000 बिटकॉइन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स इस हफ्ते $630 million के नोशनल वैल्यू के साथ एक्सपायर होने वाले हैं और 180,000 इथेरियम ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी एक्सपायर हो जाएंगे, जो इसका नोशनल वैल्यू $340 million है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस एक्सपायरी का क्रिप्टोकरेंसी मार्केट पर प्रभाव पड़ेगा। MakerDAO के गवर्नेंस टोकन MKR की प्राइस साप्ताहिक रूप से 20% से अधिक बढ़ गई है। इस कीमत में वृद्धि का एक प्रमुख कारण ऑप्टिमिज्म डाई ब्रिज की शुरुआत को माना गया है, जो एक लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन है जो डाई की स्पीडी और इनएक्सपेंसिव ट्रांसफर्स को सक्षम बनाता है। ऑप्टिमिज्म और इथेरियम ने कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि की है। US स्टॉक फ्यूचर्स ऊपर ट्रेड कर रहे थे क्योंकि ट्रेडर्स ने लेटेस्ट कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिजल्ट का आकलन किया है। DAO से जुड़े फ्यूचर्स में 0.1% की वृद्धि के साथ 32 पॉइंट्स जुड़े, S&P 500 में 0.2% और NASDAQ 100 फ्यूचर्स में 0.3% की बढ़ोतरी हुई। बिटकॉइन 0.6% की गिरावट के साथ $29,800 पर ट्रेड कर रहा था। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी इथेरियम 1% की गिरावट के साथ $1,888 पर ट्रेड कर रही थी। सोलाना SOL 4% की गिरावट के साथ $25.2 पर ट्रेड करता नजर आया। कार्डानो का ADA टोकन 1.3% की गिरावट के साथ $0.31 पर ट्रेड करता नजर आया। अवलांच AVAX 0.2% की गिरावट के साथ $13.9 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। रिपल का XRP टोकन 3% की गिरावट के साथ $0.76 पर ट्रेड करता नजर आया। हालांकि BNB 1% की बढ़त के साथ $244 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। पॉलीगॉन मैटिक 3% की बढ़त के साथ $0.76 पर ट्रेड कर रहा था। पॉपुलर मीम कॉइन डोज 0.5% की बढ़त के साथ $0.072 पर ट्रेड करता नजर आया। शिबा इनू में 0.4% की बढ़त दिखाई दी। पोलकाडॉट 6% की बढ़त के साथ $5.5 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। आइए देखते हैं क्रिप्टोकरेंसी मार्केट पर हमारे एक्सपर्ट मिस्टर वेदांत झा की क्या राय है। In the latest news, Standard Chartered, a major financial institution, predicts that the value of Bitcoin could reach $50,000 this year and soar to $120,000 by the end of 2024. It initially forecasted $100,000 for 2024, but now seen an additional 20% upside potential. This optimistic outlook is based on the recent surge in Bitcoin's price, which has already jumped 80% since the beginning of the year. The bank's FX analysts suggest that the rise in Bitcoin's value may encourage miners to hold on to more of their supply
reducing the available BTC for sale and potentially driving prices higher. Standard Chartered explains that as miners become more profitable with each Bitcoin mined, they will need to sell fewer coins to cover their costs, especially electricity for running their mining computers. The Bitcoin reaches $50,000. Additionally, in the coming months, the total number of Bitcoins mined daily will be halved due to an inbuilt supply mechanism, further limiting the available supply. And the cryptocurrency is known for its price volatility. मिस्टर झा, हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 टीवी और ज्यादा जानकारी और अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3worldstv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। With 3.0 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters.